हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी बी यमी बी बाय पायल घई। फ्रेंड्स, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक चाट की रेसिपी शेयर करूंगी जो हम सबकी फेवरेट है। इसे हम सब लोग बड़े ही शौक से बाजार में मार्केट में खाते हैं। इस हेल्दी और यम्मी रेसिपी जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है आलू टोकरी चाट की रेसिपी। इसे हम आज घर पे बहुत ही इजीली बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं इस यम्मी रेसिपी को बनाने की प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आलू टोकरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 आलू, जिसे मैंने पील करके पानी में इसको मैंने डिप कर दिया है ताकि ये काले ना हो। अब हम इसे एक ग्रेटर की हेल्प से इसे यहाँ पे ग्रेट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो हम ग्रेटर यूज़ करेंगे उसकी हमें मोटी साइड से इसको ग्रेट करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसे ग्रेट करेंगे। बहुत ही इजीली मोटी साइड से ग्रेट करने का हमें इसका ये फ़ायदा रहेगा कि जो हमारी आलू की टोकरी है वो मोटी बनेंगे इसके लच्छे। ये हमारे आलू के जो लच्छे हैं अच्छी तरह से ग्रेट हो चुके हैं। अब इसे हम पानी में डिप करेंगे ताकि एक बार इसे अच्छे से वॉश कर लें, जो भी इसका एक्स्ट्रा स्टार्च है वो सारा इसमें निकल जाएगा। अब एक बार हम इसे दोबारा से डिप करेंगे। इसे फ्रेंड्स हमें 2 बार अच्छे से पानी में वॉश कर लेना है। ये आलू के लच्छे हमने अच्छी तरह से 2 बार ही वॉश कर लिए हैं, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो सारा निकल गया है। फिर भी हम इसे एक बार एक स्ट्रेनर में डाल लेंगे, जो इसका एक्सेस में वाटर है वो भी इसमें ड्रेन हो जाएगा अच्छे से। आप जो ये स्ट्रेनर में डालने के बाद फ्रेंड्स हमें जो इसका एक्सेस वाटर है आप इसे अपने हाथ से या एक स्पून की हेल्प से आप इसको दबा के इसका सारा जो एक्सेस पानी है वो आप निकाल लीजिए। ये देखिए, इसमें जो भी हमारा एक्सेस वाटर है वो उसमें सारा स्ट्रेन हो गया है। अब हम अपने ये जो आलू के लच्छे हैं जिसमें से हमने अब सारा पानी ड्रेन कर लिया है, इसे एक बड़े बोल में आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसमें अब मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लावर ताकि जो हमारे आलू के जो लच्छे हैं आपस में ये चिपके नहीं। आलू टोकरी बनाने के लिए हमें इस तरह की 2 स्टील की छाननी चाहिए, एक बड़ी और एक इससे थोड़ी सी छोटी, जो इसमें एकदम ऐसे अंदर फिट हो सके। अब हम आलू जो टोकरी बनाएंगे इसके अंदर हम अपनी आलू की लेयर लगाएंगे, पर इससे पहले हमें अपनी ये जो छाननी है इसको थोड़ा सा ग्रीस करना होगा ऑयल से। यहाँ पर मैंने ऑयल यहाँ पर हॉट करने के लिए रखा है पहले से गर्म होने के लिए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने आधी कढ़ाई तक इसमें भरा है। टोकरी को तलने के लिए हमें इतना ही कम से कम तेल चाहिए जिससे हमारी टोकरी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके। इसे आप थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए ताकि जो आलू है वो आपस में चिपके नहीं इसमें छानी में। दोनों को अच्छी तरह से आपको करना है और इसमें जो गैस है आपको मीडियम पे ही रखनी है, ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। ये हमारी जो छानी है अच्छी तरह से ग्रीस हो चुकी है, एक्सेस ऑयल आप इसमें ड्रेन कर लीजिए। यहाँ पर जो हमने अपने कोट करे थे आलू के लच्छे यहाँ पर आप इसमें फैलाइए। आपको ज़्यादा पतली लेयर इसमें नहीं लगानी है छाननी में, आपको एक मोटी लेयर लगानी है प्रॉपर एक इसकी टोकरी की शेप देते हुए। इसे अच्छे से आप फैला लीजिए। इसमें ये हमने अच्छी तरह से अपने आलू के लच्छे को फैला लिया है प्रॉपर टोकरी की शेप में। अब इसके ऊपर दूसरा हम ये स्ट्रेनर रख देंगे और इसको अब हम फ्राई करेंगे।
ओहो ये तो गैस को आप इसे हमने यहाँ पे डिप कर दिया है। इसे हम पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। आप इसको बिल्कुल ध्यान से इसको करिएगा। अब ये हम अपनी टोकरी को हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अब आप इसे बाहर निकाल लीजिए। अब हम इसे हल्के हल्के कॉर्नर से बिल्कुल चाकू की हेल्प से इसे प्रेस करेंगे, ये स्मूथली हमारी बाहर निकल आएगी। ये देखिए ये हमारी बिल्कुल टोकरी प्रॉपर एक बनके तैयार हो गई है। अब इसे हम दोबारा से एक बार और फ्राई करेंगे। आप इसे बिल्कुल ध्यान से डालिएगा क्योंकि घी हमारा काफ़ी गर्म है। मैं इसे एक छाने की हेल्प से इसको इसमें प्लेस कर रही हूँ। इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे एक बारी और। ये बहुत ही इजी है बनाना, बस हमें टोकरी को निकालते हुए ध्यान रखना है कि हमारी टोकरी अच्छे से निकल जाए, स्ट्रेनर में से टूटे नहीं। ये देखिए ये हमारी अच्छे से बन गई है। एक्स्ट्रा ऑयल हम सारा ड्रेन कर लेंगे यहाँ पर और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम तैयार करें। ये देखिए सिमिलरली मैंने एक यहाँ पे दो टोकरी बना ली है आलू लच्छे की। अब हम इसमें अपनी चाट बनाएंगे। यहाँ पे मैंने डाला है एक चम्मच स्प्राउट। आप इसमें अपने पसंद के मटर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास स्प्राउट ना हो। यहाँ पे मैंने यूज़ कर रही हूँ सफ़ेद उबले हुए छोले का एक चम्मच। आप इसमें काले चने भी डाल सकते हैं। चाट बनाते हुए आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ इसमें आप डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आपके पास हो। उबले हुए आलू, यहाँ पे आप डालिए इसमें थोड़ी सी बूंदी। मैंने यहाँ पे प्लेन इसमें जो बूंदी में रहते में हम डालते हैं वही यूज़ करी है। आप एक मसाला बूंदी आती है वो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। थोड़ी सी लाल मिर्ची, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। अब ये मैंने यहाँ पे दही लिया है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। हमारा दही को थोड़ा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इस पर अब हम डालेंगे अपना एक चम्मच दही। इसमें दही डालिए। डालेंगे अब अपनी मीठी चटनी। हरी चटनी, अब हम इसमें फिर से दोबारा से डालेंगे अपनी दही। अब डालेंगे हम अपने ये, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आलू भुजिया।
यहाँ पे अनार के कुछ दाने, ये देखिए यहाँ पे ये हमारी आलू टोकरी चाट बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे घर में बनाइए, इंजॉय कीजिए। ये चाट जो हम बाज़ार में बहुत ही शौक से खाते हैं, इसे यहाँ पे हमने पूरे अपने 10.5 मिनट में हमने इसे यहाँ पे तैयार कर लिया है। ये बनाने में बहुत ही ईजी है और खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगी एक और हेल्दी और यम्मी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।